आज मैं आपके साथ मलाई मसाला भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसका टेस्ट रेगुलर भिंडी की सब्जी से एकदम अलग होगा एंड आप भी इस डिलीशियस रेसिपी को इजीली बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखते हैं रेसिपी को। इसके लिए मैंने ये भिंडी ली है, जिनको अच्छे से वॉश कर लिया था और इनका आगे का और पीछे का हिस्सा इस तरीके से कट करके भिंडी को 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके से कट करना है सारी भिंडी को। मैंने भिंडी को कट कर लिया है। अभी इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, बेसन है, ये मैं 2 टीस्पून बेसन ले रही हूँ। ज़्यादा नहीं लेना है, बस कोटिंग करनी है भिंडी के ऊपर। और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन की कोटिंग करेंगे भिंडी के ऊपर तरीके से। मिक्स हो गई है और इसको अभी फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है और ऑयल को पूरे कढ़ाई में इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद में जो कोट की हुई भिंडी थी वो मैंने डाल दी है इसमें और इसको फ्राई कर लेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगी। भिंडी को हाफ कुक करना है। इस तरीके से चलाते हुए इनको फ्राई कर लेंगे। ये हाफ कुक हो चुकी हैं। इस तरीके से अभी भिंडी को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद में ग्रेवी के लिए मैंने उसी कढ़ाई में ये ऑयल डाला है, क्यूमिन सीड, ग्रीन चिली, थोड़ा सा ये जिंजर गार्लिक, इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। ये 3 मीडियम साइज़ के अनियन थे जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया था, इसको भी भून लेंगे। तरीके से थोड़ा सा मैंने पीनट लिया है, इसको भी भून लेंगे। अगर आपके पास पीनट नहीं है तो इसकी जगह पे आप कैशी भी ले सकते हैं। इसको भी भून लेंगे इस तरीके से। एंड ये चॉप्ड टमेटोज़ हैं, इनको भी भूनेंगे। ये 3 मीडियम साइज़ के टमेटो थे जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया था। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे इस तरीके से एंड 2-3 मिनट्स के लिए कवर करके इसको कुक करेंगे। 3 मिनट्स के बाद में देखिए जो टमेटोज हैं वो अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। इस तरीके से इसको चलाएंगे। गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने के बाद में इसकी प्यूरी बना लेंगे। ठंडा हो गया है, मैंने इसका ये पेस्ट बना लिया है इस तरीके से। और सब्जी के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, थोड़ा सा क्यूमिन सीड, होल रेड चिली, तेज पत्ता, और जो प्यूरी बनाई थी वो डाल दी है। इस तरीके से चलाएंगे। इस तरीके से बॉयल होने लगी है,
में स्पाइसेस ऐड करेंगे, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं अगर पतला रखना है तो। इस तरीके से स्पाइसेस को भी अच्छे से भूनना है। और यहाँ पर मैं ये मलाई डाल ली हूँ, ये फ्रेश क्रीम है, आप चाहें तो घर की भी मलाई ले सकते हैं इसकी जगह पे। और इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसी तरीके से ये देखिए अच्छे से बॉईल होने लगी है ग्रेवी। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। तरीके से चलाते रहेंगे इसको। और ये थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स अभी डाला है, जिससे कि एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा ग्रेवी में। ग्रेवी एकदम रेडी है, अभी जो हमने फ्राई करके भिंडी रखी थी वो डाल दे रही हूँ मैं। भिंडी हाफ कुक कर चुके थे हम, तो ज़्यादा देर कुक नहीं करनी है। इस तरीके से मिक्स करेंगे इसको इसे, और 5 मिनट के लिए इसको केवल कुक करेंगे। कवर कर दिया मैंने 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद में देखिए ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है। इस तरीके से चलाएंगे इसको। सब्जी बनके एकदम रेडी है। ये मैंने चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स हैं ऐड कर दिया है। इस तरीके से इसको भी मिक्स कर देंगे। भिंडी बनके एकदम तैयार है। लीजिए आपकी मलाई मसाला भिंडी की रेसिपी बनके तैयार है। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। अगर आप रेगुलर भिंडी के टेस्ट से बोर हो गए हैं तो एक बार आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिए। इसको आप चपाती, पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।